उत्तर प्रदेश में चल रहे आखिरी चरण के मतदान के लिए आज सुबह से ही वोटिंग के लिए लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिली, जिसमें जिला प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली है। वोट देने आए ग्रामीणों को ना तो कोरोना का डर, ना ही अपने परिवार का। जहां यूपी सरकार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अनुरोध कर रही है, तो वहीं वोटर अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाते भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय इंद्रपुर इमिलिया परधा में वोट देने के लिए वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिसमें महिला सहित पुरुष नौजवान शामिल हुए, जिसमें ना तो इन लोगों को कोरोना का डर था, ना ही तेजी से बढ़ रहे मौत के आंकड़ों से इन्हें कोई भी फिक्र थी। इन्हें बस चिंता थी तो अपने प्रत्याशी की। ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लंबी लंबी लाइनों की कतार में खड़े हुए नजर आए। हालांकि पुलिस प्रशासन की कड़ाई से कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए भी दिखाई दिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक भी वोटर में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो पूरे सिस्टम में फैलते देर नहीं लगेगी, और इसका जिम्मेदार कौन होगा? खैर, अब तो इनका भगवान ही मालिक है। वोटरों को तो बस अपने प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने से मतलब है। वहीं वोट देने आए ग्रामीण ने बताया कि हमारा प्रधान अच्छा हो, सबको एक समान देखे और विकास करे। यहाँ पर कोरोना के नियम का पालन हो रहा है, सभी लोग मास्क लगाए हुए और दूरी बनाकर वोट भी दे रहे हैं। वहीं इसी बीच यहाँ पर आखिरी चरण के मतदान के लिए 80 साल की बुजुर्ग भी वोट देने के लिए पहुंची, जिनका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अरे भाई, प्रधान अच्छा हो, कर्मठ हो, कुछ काम करे, अच्छा आदमी हो, पूरे गांव को संभाले, और जो है कोई भी छोटा बड़ा सबको एक समान देखे। अस्थाई ठीक है, जो है ठीक है।